प्रकाश का त्योहार और दीपावली का इंतजार बच्चों से लेकर बूढ़े सभी को होता है। दिवाली में तरह तरह की मिठाइयां खाने वाले और लाइट जलाने वाले शौकीन दोनों तरह के लोगों को इस त्योहार का इंतजार बेसब्री से रहता है। वहीं बाजारों में भी तरह तरह की रौनक देखने को मिलती है। तरह तरह की मिठाइयां, घर को सजाने के लिए मोमबत्तियां बाजारों में उपलब्ध रहती हैं। लेकिन ऐसे में क्या हो जब मिठाई और मोमबत्ती आपको दोनों एक साथ ही मिल जाए। पटना की रितिका ने मिठाइयों के आकार की मोमबत्ती बनाकर सबको हैरान कर दिया है। गुलाब जामुन, रसमलाई, काजू बर्फी, केक, गाजर का हलवा, इन तस्वीर को देखकर थोड़ी देर के लिए आपके मन में ये ख्याल आया होगा कि ये किसी मिठाई की दुकान है, लेकिन हकीकत में ये ऐसा नहीं है। ये दुकान मोमबत्ती की है और जो मिठाइयाँ आप देख रहे हैं असल में ये जलाने वाली मोमबत्तियाँ हैं। रितिका ने इस दिवाली मोमबत्ती की सैकड़ों अलग अलग वेरायटी तैयार की है। खास बात ये है कि रितिका बेस्ट सोया ऑयल के बने वैक्स से मोमबत्ती बनाती है जो एनवायरमेंट फ्रेंडली है। रितिका के कैंडल प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा डिमांड स्वीट कैंडल का है। इसके अलावा डॉल कैंडल, बुके कैंडल, वाइन ग्लास कैंडल भी लोगों को खूब पसंद आ रही हैं। रितिका एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान बताती हैं कि उनके स्टार्टअप क्राफ्ट एज की तरफ से बनाई गई कैंडल्स की डिमांड सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि बिहार के बाहर के राज्यों में भी ज्यादा है। जो अभी मेरे पास में कैंडल्स है वो लगभग 150 तरह की कैंडल्स है, जिसमें अलग अलग वैरायटीज में छोटे से लेकर बड़े तक में सारे तरह के कैंडल्स हैं। स्वीट्स कैंडल्स जो है उसमें स्वीट्स कैंडल्स में लगभग 15 तरह की वैरायटीज है, जिसमें जो भी स्वीट्स हम लोग दिवाली में यूज़ करते हैं खाते हैं तो उसको हम लोग कैंडल फॉर्म में लेके आए हैं। डिमांड कितना है? इस साल डिमांड स्वीट्स कैंडल्स की काफ़ी अच्छी है। स्वीट्स कैंडल्स के अलावा और भी कैंडल्स जो हम लोग यूज़ करते हैं घरों में, दिया कैंडल हुआ या फिर ग्लास कैंडल हुआ जो काफ़ी देर तक डेकोरेशन में यूज़ होता है, टी लाइट कैंडल्स हुआ जो लोग यूज़ करते हैं, तो वो सारी कैंडल्स की डिमांड है। कौन कौन सी कैंडल इस बार बने हैं? इस साल जो हम लोग का स्पेशल जो स्पेशल कैंडल्स हम लोग बनाए हैं वो स्वीट कैंडल्स बनाए हैं, जिसमें लड्डू, काजू कतली, रसमलाई, रसगुल्ला, काला जामुन, फिर मोदक है और भी अलग अलग तरीके की मिठाई हैं जो कैंडल फॉर्म में हम लोग लेके आए हैं। कौन कौन सा चीज़ का उपयोग करते हैं कैंडल्स पे? जी जो हम लोग कैंडल्स यूज़ करते हैं वो सोयाबीन ऑयल होता है, जो ये सोयाबीन तेल हम लोग रिफाइंड ऑयल खाते हैं उससे जो बाई प्रोडक्ट निकलता है उससे हम लोग का ये कैंडल्स बनता है। तो वो एक तरह का वेजिटेबल वैक्स हुआ जो पॉल्यूशन फ्री होता है और स्मोकलेस होता है, इस कारण पॉल्यूशन फ्री और इको फ्रेंडली है, इसलिए हम लोग के प्रोडक्ट्स को काफ़ी लोग पसंद भी करते हैं। ये फीडबैक कहाँ से मिला आपको, कब से आप ये कर रहे हैं? जी ये हम कोविड के टाइम पे स्टार्ट किए थे, 2020 में स्टार्ट किए थे। उस टाइम हम छोटे से स्टार्ट किए थे क्योंकि आर्ट एंड क्राफ्ट में पहले से काफ़ी रुचि रही है, तो उसको हम अपना कैंडल्स, दिवाली नज़दीक था तो कैंडल्स के फॉर्म में लेके आए ताकि लोगों को पसंद आए, और वो लोगों को पसंद आए क्योंकि उस टाइम हम लोग जो कैंडल बना रहे थे उसमें इको फ्रेंडली था। उसके ऐसे हम लोग कुल्हड़ कैंडल बना रहे थे, कुल्हड़ कैंडल में जो मिट्टी के कुल्हड़ होते हैं उसको हम लोग पेंट करके उसमें जो वेजिटेबल वैक्स यूज़ करके उसमें अलग अलग तरीके के जो दिवाली के टाइम पे पूजा के लिए इस्तेमाल होते हैं, चंदन का या हुआ या फिर गुलाब का हुआ, ये सारे सुगंध डाल के हम लोग बना रहे थे तो ये काफ़ी लोगों को पसंद आई थी। कितने लोग आपके साथ जुड़े हैं, कितने लोगों को रोजगार मिला है? जी अभी जैसे अगर हम बात करें तो ऑफिस में जो हम लोग इन हाउस आके काम करते हैं तो वो लगभग 12 लोग हैं, और जो घर से काम करते हैं वो लगभग 10 लोग हैं जो हमको घर से बैकग्राउंड से मतलब घर से काम करके देती हैं। सबसे ज़्यादा डिमांड किसका है? इस साल तो सबसे ज़्यादा डिमांड दिवाली में लड्डू ऐसे ही फेमस है तो लड्डू कैंडल की डिमांड बहुत ज़्यादा है। हम लोग कैंडल्स बना रहे हैं जिसमें मधुबनी पेंटिंग या फिर मंडला पेंटिंग करते हैं, तो अभी तो हम लोग मधुबनी पेंटिंग किए हैं, जैसे ये हो गया, इस पे पहले बेस कर दिए, उसके बाद इस पे लाइनिंग करने के बाद इसमें कलर करते हैं, और इसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा है मार्केट में मधुबनी पेंटिंग्स के साथ। यहाँ पे कैंडल्स बना रहे हैं और क्या करते हैं? नहीं मैं मधुबनी की आर्टिस्ट हूँ लेकिन मैं पटना की ही हूँ, तो हम लोग का मधुबनी है, हम लोग सीख के आए हैं यहाँ पे, मधुबनी पेंटिंग हम लोग करते हैं। प्रतिदिन मधुबनी क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो उसको बनाने में थोड़ा वक्त लगता है, तो एक दिन में 40 से 50 बन जाता है। ये कैंडल का डिमांड है? काफ़ी डिमांड है इसका, और ये चलता भी काफ़ी, मतलब ये 9 से 10 घंटे तक चलता है। इसमें जो भी वैक्स हम लोग डालते हैं तो ये 9 से 10 घंटे तक आराम से इजीली जलता है। कैंडल का तैयारी 2.5 महीने से चल रही है, इसका बहुत डिमांड है, और हम मंडाला करते हैं, कूलर पर पहले बेस करते हैं उसके फिर डिजाइन करते हैं। इसका डिमांड काफ़ी है? हाँ बहुत काफ़ी है। अच्छा यहाँ पे कब से जुड़ी हुई है आप? मैं 1 साल से जुड़ी हुई हूँ। रितिका का ये स्टार्टअप मधुबनी पेंटिंग के साथ और कला के दूसरे क्षेत्र में काम करता है।
लॉकडाउन के बाद रितिका ने डिजाइनर मोमबत्तियों का निर्माण किया। बाद में पति को पता चला कि दिवाली के समय ही पटना विमेंस कॉलेज में स्टॉल लगाने का मौका मिला। इनकी बनाई हुई मोमबत्तियों का ऐसा जलवा रहा कि चंद ही घंटों में सारी मोमबत्तियां बिक गईं। रितिका की बनाई हुई मोमबत्ती की खास बात ये भी है कि इसे जलाने के साथ घर के डेकोरेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन मोमबत्तियों को जलाने के बाद इनकी बेहतरीन खुशबू से घर महक जाता है। रितिका आज अपनी कला से लाखों रुपए कमाने के साथ कई लोगों को रोजगार भी दे रही हैं। पटना से परमानंद की रिपोर्ट।